ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। बागले पुलिस ने 6,85,000 के आभूषण चुराने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। 31 वर्षीय महिला मिन्नत दुर्योधन को आभूषण के चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 6 जून को बागले स्टेट में रहने वाले भावेश प्रकाश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। किसी ने डुप्लीकेट चाबी से उनके घर का ताला और अलमारी खोलकर 6,85,000 के जेवर चोरी किए थे। मकान में लगे सीसीटीवी के आधार पर नौकरानी पर शक हुआ। जब नौकरानी को फ़ोन किया गया तो उसका फ़ोन बंद था, जिसके बाद छानबीन कर वर्तक नगर अयोध्या चाल से गिरफ्तार किया गया। करीबन 6,85,000 का गहना चोरी हुआ है, ऐसा उन्होंने कंप्लेंट किया है, केस रजिस्टर हुई है। उसी के सिलसिले में पुलिस एक्शन में आ गई और जब उनसे पूछताछ हुई तो उनकी मम्मी से ऐसा पता लगा कि उनकी जो कामवाली है वो गाँव जाने वाली थी उड़ीसा संडे के दिन। फिर सीसीटीवी फुटेज देखा गया, जैसे इनकी मम्मी बाहर गई थी रिलेटिव के वहाँ तो वापस वो घर आई है और जो घर से उसने चाबी चुराया था उसी का इस्तेमाल करके उसने घर के जो जवाहरात है वो चोरी किए हुए थे। उनका एड्रेस इनके पास नहीं था मगर खाली लोकमान्य पाड़ा में रहती है इतना मालूम थी। उसी के सिलसिले में पुलिस खोज में रही थी तो उसी टाइम राज ठाकुर विद्यालय है वहाँ उसका एक 13 साल का लड़का खेल रहा था और उसके हाथ में जो है ये जी शॉक की जो घड़ी जिसने जहाँ से चोरी हो गई थी वही घड़ी उसके हाथ में थी और वो खेल रहा था। कंप्लेनर ने उसको पहचान लिया और उसके जरिए हम लोग उसके घर गए और घर जाके वो लेडी को अरेस्ट किया गया। नौकरानी के पास घर की चाबी रहती थी मगर नौकरानी अपने मालिक का भरोसे का गलत इस्तेमाल किया और डुप्लीकेट चाबी बनाकर इस घटना को अंजाम दिया। महिला अब इस हरकत की वजह से सलाखों के पीछे पहुंच गई है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।